अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ। स्टूडेंट्स आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सेकंड ईयर केमिस्ट्री के सॉल्व्ड एमसीक्यूज। आपने बस इनको एक दो मरतबा रिवाइज़ करना है, इंशाल्लाह 17 के 17 एमसीक्यूज इन्हीं में से आएंगे। पहला है कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज़ करेक्ट। अगर हम इसमें देखें तो जो दुरुस्त ऑप्शन है वो बेरियम का जो साइज़ है वो बड़ा होता है मैग्नीशियम से। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। सोडियम के आयन का साइज सोडियम के एटम से हमेशा छोटा होता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल द अल्कली मेटल आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। तमाम अल्कली मेटल एक ही ग्रुप में पाई जाती हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल द मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। नहीं, जो मेटल्स हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाइड्रोजन रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज विद ग्रुप 1A, विद ग्रुप 4A एंड विद ग्रुप 7A। कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो 1A के साथ है, 4A और 7A के साथ है, ये आप लोगों को पहले पता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि मैग्नीशियम के नीचे पड़ा है कैल्शियम। मतलब कैल्शियम का साइज बड़ा है तो और मैग्नीशियम का साइज छोटा है, तो जिसका साइज छोटा है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है और जिसका साइज बड़ा है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। और जाहिर सी बात है कि जब किसी भी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो उससे जो एनर्जी खारिज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटेलिक करेक्टर ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है क्योंकि एटम का साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है, शेल्स की तादाद बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। मतलब इसीलिए मेटेलिक करेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जो हैलोजन के मेल्टिंग पॉइंट हैं वो ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, कम नहीं होते। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, कोवलेंट करेक्टर ऑफ मेटल हेलाइड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जो मेटल के हेलाइड्स हैं उनका जो कोवलेंट करेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होता है, बढ़ता है। अब आ गया यूनिट नंबर टू। यूनिट नंबर टू में पहला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जाहिर सी बात है हमें पता है अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। तो जो रेडॉन है ना वो स्टूडेंट्स जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं आता। द ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम इज एम्फोटेरिक। बेरिलियम के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। विच विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। किसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम का जो आयन है उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल। तो वो रेडियम आपके सामने है क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम ये तीनों तो पड़े हैं, रेडियम नहीं पड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज नॉट सोलबल इन वाटर। बेरियम का सल्फेट पानी में सोलबल नहीं होता। द एलिमेंट सीजियम बेयर रिजेम्बलेंस विद, किसी के साथ भी इनमें से नहीं करता। कैल्शियम है, क्रोमियम है, बोथ है, नहीं, इनमें से किसी के साथ भी इसकी रिजेम्बलेंस नहीं होती। चाइल्ड साल्टपीटर का फार्मूला NaNO3 होता है। जो मिनरल है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हैज अ जनरल नेम जिप्सम, इसको हम जिप्सम बोलते हैं। डाउनसेल इज यूज टू प्रिपेयर सोडियम मेटल, ये भी आपको पता है। और आपको पता है जो नेल्सन सेल है उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं, ये भी आपने याद रखना है, वो भी पूछ सकता है वो। विच एलिमेंट इज डिपॉजिट एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इन डायफ्राम सेल। तो जो हाइड्रोजन है क्योंकि ये पॉजिटिव आयन की फॉर्म में मौजूद होता है तो ये जो है वो कैथोड पे चला जाता है। विच मेटल इज यूज इन द थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। एलुमिनियम को थर्माइट प्रोसेस में यूज किया जाता है। एलुमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोमिनाइट Ca2B6O11 5 वाटर मॉलिक्यूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज अ +3 चार्ज, वो तो आपको पता है एलुमिनियम है। कन्फिगेशन ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, क्योंकि आखिरी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये जो जनरल कन्फिगेशन उसने बताई हुई है लिख के वो 3s2 3p1 वाली है। विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 4A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेड जो है वो इसको बिलोंग करता है ग्रुप 4 को, क्योंकि आपको पता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड, तो लास्ट पे लेड ही बचता है। बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज इन सोडा बॉटल, आप इसको सोडा बॉटल में यूज़ नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। जमीन पर सिलिकॉन सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता, मतलब ये अबंडेंट नहीं है। टिंकल इज अ मिनरल ऑफ बोरॉन।
द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज ए एल टू ओ थ्री टू वाटर मॉलिक्यूल विच ऑफ। अब आ गया आपका यूनिट नंबर स्टूडेंट्स गलबन थ्री आ गया, बल्कि नहीं यूनिट नंबर फोर की बात करें। ओवरऑल द एलिमेंट ग्रुप फिफ्थ है, द हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज पोजेस्ड बाय नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है तो उसके बाकी फिर वो नीचे आते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। और अमंग ग्रुप फिफ्थ है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नाइट्रोजन की है। जब आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उससे N2O4 बनता है। ब्राउन गैस फॉर्म व्हेन मेटल रिड्यूसेस HNO3 टू NO2, जब NO2 गैस बनेगी तो तब ये ब्राउन कलर की गैस होती है, तो तब इसका ऑप्शन NO2 बनेगा। लाफिंग गैस इज केमिकली N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्स से द हाइएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज शोन बाय द एलिमेंट टिलोरियम, तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टिलोरियम के होते हैं। SO3 इज नॉट अब्जॉर्ब इन वाटर डायरेक्टली टू फॉर्म H2SO4 बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसका रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है और आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इसीलिए हम पहले इसको H2SO4 में डालते हैं और इससे जो है वो ओलियम बनता है, फिर ओलियम को पानी में डालते हैं तो उससे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। जो कैटलिस्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है वो वनेडियम पेंटोक्साइड है, जिसको हम V2O5 बोलते हैं। किस वो कहता है विच वन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो वो O2 है, O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है और ये पैरामैग्नेटिक है। अब यूनिट नंबर हमारा 5 आ गया स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इज द वीकेस्ट एसिड इन सॉल्यूशन, तो HF जो है वो सबसे वीक एसिड है और ये आपको पता भी है कि HF वीक एसिड है बाकी सारे HCl, HBr और HI की नस्बत। क्लोरीन हेप्टोक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पर क्लोरिक एसिड, तो जब Cl2O7 का पानी से रिएक्शन होता है तो पर क्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ HF, HF में बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। विच हैलोजन विद रिएक्ट्स स्पॉन्टेनियसली विद गोल्ड टू प्रोड्यूस Au+3, तो मतलब वो आपके पास क्लोरीन है। एनहाइड्राइड HClO4 का Cl2O7 होता है। ब्लीचिंग पाउडर में भी प्रोड्यूस बाय पासिंग क्लोरीन ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जहरी सी बात है कि आपने दो मेथड पढ़े हैं, एक हैजन क्लेवर मेथड है और एक बैकमैन मेथड है, दोनों में ही हम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जिसमें ऑक्सीजन की तादाद सबसे ज़्यादा है और वो HClO4 ही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ते हैं तो जो एसिडिटी है एसिडिक करेक्टर भी बढ़ जाता है। विच हैलोजन अक्कर नेचुरली इन अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आयोडीन है वो कुदरती तौर पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि इसका जब जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ जाता है, जिससे पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। एन एलिमेंट दैट हैज़ अ हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड टेंड टू बी केमिकली इनएक्टिव वुड मोस्टली लाइक टू बी अ नोबल गैस, हाँ नोबल गैसेस का क्योंकि शेल भरा होता है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन ऑफ द आउटर मोस्ट लेवल ऑफ द ग्रुप 0, मतलब 8A की बात कर रहे हैं तो वो आपको पता है NS2NP6, तो ये S2P6 वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स आ जाएं चैप्टर नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, तो जिंक जो है वो नॉन टिपिकल है, ये टिपिकल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल ट्रांजिशन मेटल, और वो आपके पास कोबाल्ट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, इसमें से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, याद रखिएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं और वो ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है, तो नन इज ट्रू। द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। द ग्रुप 6B ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन क्रोमियम, मोलाइब्डीनम और टंगस्टन, ये आपके पास जो तीन है, क्रोमियम है, उसके बाद MO है और आपके पास क्या है W। विच इज़ द फार्मूला ऑफ टेट्रा एमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम 4 सल्फेट, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन प्रोडक्ट्स इज द ऑर्डर ऑफ कास्ट आयरन, फिर स्टील, फिर रॉट आयरन, कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद स्टील में, फिर उसके बाद आपके पास आ गया रॉट आयरन में। अब द कलर ऑफ ट्रांजिशन है मेटल कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ट्रांजिशन मेटल का कलर है वो आपको मैंने पहले भी कई मरतबा ये क्वेश्चन भी पढ़ाया है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ कलर्ड कंपाउंड, उसकी वजह है इलेक्ट्रॉन का डी से डी में शिफ्ट होना, इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में शिफ्ट हो जाना जब उसको थोड़ी बहुत विजिबल लाइट मिल जाए।
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन पीटीसीएल NO2 NH3 4 इज 6। ये आप जब कैलकुलेट करेंगे, आपको सिखाया हुआ है, तो इसका ऑप्शन 6 ही बनता है। द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज 58। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 58 है। अब चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। जो मिथेन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल में जो टर्शी कार्बन है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि तीन तो मिथाइल आ गए और एक उसके साथ OH ग्रुप आ गया, तो इस वजह से उसके साथ हाइड्रोजन नहीं आ गया, उसकी वैलेंसी पूरी हो गई, तीन मिथाइल के साथ और एक OH के साथ। विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज अ प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, तो वो sp2 होता है। जिस द केमिस्ट टू सेंथिसाइज यूरिया इज वोहलर। लीनियर शेप एसोसिएटेड विद सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल sp। जो sp है उसमें लीनियर शेप होती है, एंगल 180 होता है। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑन 1 sigma and 1 pi bond, या और डबल ट्रिपल बॉन्ड में 1 sigma 2 pi bond। इतर शोज द फिनोमेना ऑफ मेटामरिज्म। सिलेक्ट अल्कोहल आपको पता है जिसके साथ OH लगा है लास्ट पे, CH3 CH2 OH, मतलब कार्बन के साथ डायरेक्टली OH जुड़ा हो तो वो अल्कोहल होता है। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल, अच्छा अब आ गया चैप्टर नंबर 8। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि जब हम वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो उससे वेजिटेबल घी बनता है, मतलब ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं निकल की मौजूदगी में तो हाइड्रोजिनेशन से वेजिटेबल घी बनता है। द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये तो आपको वो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में मैंने पढ़ाया था। द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ साइन ऑफ अनसेचुरेशन, क्योंकि वो कंपाउंड अनसेचुरेटेड होगा। जब विनाइल एसिटाइलीन को HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरोपरीन बनता है। द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, वो मार्कोनिकोव्स रूल के तहत होता है, वो आपको पता है, मैंने बताया था कि एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा होंगे, सॉरी हाइड्रोजन एटम सबसे कम होंगे, उसको आपने नेगेटिव पार्ट देने। और सिंथेटिक रबड़ इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोपरीन, वो आप क्लोरोपरीन की पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं। बीटा बीटा डैश डाई क्लोरो इथाइल सल्फाइड, उसको हम मस्टर्ड गैस भी बोलते हैं। व्हेन मिथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाता है डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में, तो इसमें सारे प्रोडक्ट बनते हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये सारे ही बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो वो इथीन है। अब आ गया स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9। द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, याद रखना इसमें जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन वो लोकलाइज नहीं होते, लोकलाइज मीन फिक्स नहीं होते, वो तो मूव करते रहते हैं ओवर द रिंग, मतलब एक कार्बन से दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, मतलब ये ऐसे शिफ्ट होते हैं, तो ये डी लोकलाइज होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन के डेरिवेटिव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं। आपके लेवल तक बेंजीन बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट, ये तो आपको पता है FeAlCl3, AlCl3 को यूज़ करते हैं हम फ्राइडलक्राफ्ट रिएक्शन में। बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन में सब्सटीट्यूशन भी होती है, एडिशन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, जो मैंने कई मरतबा सवाल लिखवाया है कि कन्वर्ट बेंजीन इंटू मैलिक एसिड, याद होगा आप लोगों को, या कन्वर्ट बेंजीन इंटू बेंजोइक एसिड, तो उसमें एलिमिनेशन नहीं हो सकती। अमंगस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड, जो टॉलिन है वो आसानी से जो है वो उसकी सल्फोनेशन हो सकती है बाकियों की नस्बत। नाइट्रेशन के दौरान कौन सा नाइट्रेटिंग एजेंट सबसे एक्टिव होगा, वो NO2+ है। विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन, इथीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और याद रखिएगा ये ऑर्डर पूछा भी जा सकता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप याद रखिएगा इथीन, इथाइन, इथेन। इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन SO3, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद सूटी फ्लेम बिकॉज दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्योंकि इनमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। द कन्वर्जन ऑफ एन हेक्सेन, मतलब हाउ वी प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम अल्केन, टॉलिन फ्रॉम अल्केन, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसको कहते हैं एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक बनाना किसी भी कंपाउंड को। अब आ गया स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10। इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड द हैलोजन एटम इज अटैच टू अ कार्बन विच फर्दर अटैच विद प्राइमरी में वन कार्बन, और याद रखिएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो आगे मजीद एक से जुड़ा होता है, किसी से या किसी से नहीं जुड़ा होता। अगर वो आगे दो से जुड़ा हो तो वो सेकेंडरी होगा, अगर वो तीन से जुड़ा हो तो वो टर्शियरी होगा। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर अ पार्टिकुलर अल्काइल ग्रुप इज, सबसे ज्यादा अल्काइल आयोडाइड रिएक्टिव है, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड, फिर अल्काइल फ्लोराइड। वेन CO2 इज मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मतलब ग्रिग्नॉर्ड एजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो प्रोपानोइक एसिड होगा। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, और ये आपको पता है ग्रिग्नॉर्ड एजेंट इतने रिएक्टिव हैं कि इवन के ये मोइस्ट के साथ या ये वाटर वेपर्स के साथ और हत्ता के डस्ट पार्टिकल के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है दो नंबर में, तो आप बताएंगे।
कि ग्रिगनॉर यूनिट्स आर वेरी एक्टिव ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम। अब ये पोलैरिटी क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये इतना रिएक्टिव है कि हमें इसे ड्राई ईथर में रखना पड़ता है। और क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि ये हवा के साथ, वाटर वेपर के साथ और हत्ता के डस्ट पार्टिकल के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, तो इसीलिए हम इसको ड्राई ईथर में रखते हैं। SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट टू प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये तो आपको पता है, और SN1 टर्शियरी देते हैं, इसी तरह E1 भी टर्शियरी देते हैं और E2 जो है वो प्राइमरी देते हैं। एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व्स सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये आपको पहले भी पता है, E2 का और SN2 का जो ऑर्डर है वो 2 ही होगा, E1 और SN1 का ऑर्डर 1 होगा, और E1 और SN1 ही वाहद है जिनमें पहला स्टेप सेम होता है। तो इन विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व सेम E1 एंड SN1। अल्काइल हैलाइड आर कंसिडर टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज कहते हैं जो अल्काइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? उसकी रीज़न ये होती है कि जो कार्बन है उसके साथ जो लिविंग ग्रुप लगा होता है वो गुड लिविंग ग्रुप है, वो आसानी से चला जाता है, मतलब दे हैव एन इलेक्ट्रोफाइल फिलिक कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि इनका जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और उसके साथ जो ग्रुप लगा होता है वो गुड लिविंग है, वो आसानी से चला जाता है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये खुद सब्सट्रेट का काम करता है, और जो शय आके अटैक कर रही होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जिस जगह पे अटैक होता है वो वाला जो पोर्शन है या वो वाला जो मॉलिक्यूल है उसको सब्सट्रेट बोलते हैं, और जो वीक स्पीशी है जो छोड़ के चली जाती है उसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, ये सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। विच वन इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, तो BF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। अब आ जाए स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 की तरफ। विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। विच कंपाउंड शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी अल्कोहल विद वाटर, वो भी अल्कोहल ही है। और विच कंपाउंड इज मोर सोलबल इन वाटर, वो भी अल्कोहल ही है। और विच कंपाउंड विल हैव मैक्सिमम रिपल्शन विद वाटर, तो वो बेंजीन है, बेंजीन जो है वो पानी के साथ मैक्सिमम रिपल्शन देता है। एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इंटू एथेनोइक एसिड बाय, जो एथेनॉल है वो एथेनोइक एसिड ऑक्सीडेशन के जरिए, जब आप एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उससे आपके पास एथेनोइक एसिड बनता है। विच इंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन, तो वो यूरिया है, यूरिया जो है वो फर्मेंटेशन में यूज नहीं हो सकता, यूरियाज, बल्कि इसको यूरियाज पढ़ लें आप। विच कंपाउंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आपको पता है वो तो वाटर ही हो सकता है। और मिथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर पेट्रोल, वो पेट्रोल के सब्सटीट्यूट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। रेक्टिफाइड सिपर्ट कंटेन अल्कोहल 95%, और आपको पता है जो फर्मेंटेशन है वो 12-14% अल्कोहल देता है, क्योंकि उससे लिमिट बढ़ाएंगे तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, फिर उससे हमें 95 मिलती है जिसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड, फिर उसको डिस्टिल करके हमें 100% मिलती है जिसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट ईथर जो है वो बेस का काम करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पड़ा है और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली आप समझदार हैं कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है वो लिविस बेस का काम करता है। अब आ गया चैप्टर नंबर 12। द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज SP2 हाइब्रिडाइज, जो कार्बन एटम का जो कार्बोनाइल कार्बन होता है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का कार्बन के साथ, तो इसीलिए डबल बॉन्ड की वजह से SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फॉर्मालिन जो है वो मिक्सचर है 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब ये पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज फॉर्मालिन, फॉर्मालिन इज द मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर, ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, 52% वाटर है और 8% मिथाइल अल्कोहल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, 2-hexanone, इसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे। कीटोन आर प्रीपेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, और आपको अच्छे से पता है कि प्राइमरी की करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी की करेंगे तो कीटोन बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल की कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। एसीटोन रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म आसियानोहाइडिन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन इन NUH यूजिंग NUH, तो 3-pentanone ये काम नहीं करवा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद टॉलन्स रिएजेंट, तो वो एसीटल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है लेकिन कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते और एसिड भी ये रिएक्शन नहीं देते। कैनिज़ारोज़ रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड जो है वो कैनिज़ारोज़ रिएक्शन नहीं देते। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कौन सा रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, तो वो हमारे पास होता है ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट। ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बनती है। एस्टिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन अ कार्बोक्सिल ग्रुप, आपको अच्छे से पता है जिसको CWH ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, विच इज एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक रबर, तो वो एस्टिक एसिड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड, वो एसिटामाइड है, क्योंकि एसिटामाइड डायरेक्टली नहीं बन सकता। विच रिएजेंट इज यूज टू रिड्यूस अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू एन अल्कोहल, वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं, और ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखवाया हुआ है। द सोल्यूशन ऑफ विच एसिड इज यूज फॉर सीजनिंग ऑफ फूड, तो वो एसिटिक एसिड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स एंड वाई रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड जी, तो कहता है वट टाइप ऑफ कंपाउंड कैन एक्स वाई, अल्कोहल एसिड और एस्टर, अल्कोहल एसिड और एस्टर, ये जो है। कहता है जी एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, आपका गिवन एक्वस सॉल्यूशन है, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ऑर्गेनिक, तो वो आपके पास जहरी सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता, तो वो डी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि CO2 इसी में रिलीज हो सकती है। अच्छा इसके साथ आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, पैथेलिक एसिड फैटी एसिड नहीं है। एसिटामाइड इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग अमोनियम एसीटेट, जब आप अमोनियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो एसिटामाइड बनता है। अब आ जाए स्टूडेंट्स आपके पास आ गया चैप्टर नंबर 14, इन विच ऑफ दिस प्रोसेस स्मॉल मॉलिक्यूल मेड इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, इथीन से हम पोली इथीन ऐसे ही बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर, तो वो पॉलीस्टाइरीन है। विच ऑफ दिस पॉलीमर्स इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलीएस्टर, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। प्लास्टिक आर अ पोल्यूशन प्रॉब्लम बिकॉज मैनी प्लास्टिक डीकम्पोज टू प्रोड्यूस टॉक्सिक पाउडर, कि जब वो डीकम्पोज होती हैं तो वो जहरीले पाउडर्स खारिज करती हैं। द फाइबर विच इज मेड फ्रॉम अक्राइलोनाइट्राइल एज अ मोनोमर, वो एक्राइलिक फाइबर है। अ पॉलीमर सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड इन द लिक्विड स्टेट एंड देन हार्डन्ड टू अ रिजिड सॉलिड इज कॉल्ड अ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक है जिसको अगर आप गर्म करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चली जाती है और बाद में वो रिजिड सॉलिड बन जाती है। वगरना आप घर में प्लास्टिक बैग को थोड़ा गर्म करके देखें तो फिर आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। वेजिटेबल ऑयल और ग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि आपको पता है जो वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और जो वेजिटेबल घी है वो सैचुरेटेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन, सल्फर तमाम प्रोटीन में मौजूद नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजीनियस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, थायामीन नहीं होता क्योंकि उसकी जगह पे यूरेसिल ऐड हो चुका है, तो थायामीन वहाँ पर नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, लाइपेज, मतलब लाइपेज जो है वो फैट की हाइड्रोलिसिस में एंजाइम का काम करता है। द रिएक्शन बिटवीन फैट एंड एनएच, वो तो आपको पता है स्पोनिफिकेशन, और कितना चाहिए वो स्पोनिफिकेशन नंबर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड सक्रोज इन करेक्ट, बोथ आर डाइसक्राइड, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ग्लूकोज मोनोसक्राइड है और सक्रोज जो है वो डाइसक्राइड है। अब आ गया चैप्टर नंबर 15, विच थ्री एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो वो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। विच वुडी रॉ मटीरियल इज यूज फॉर द मैनुफैक्चरिंग ऑफ पेपर पल्प, तो वो पॉपुलर है। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम फर्टिलाइजर हेल्प प्लांट टू प्रोड्यूस प्रोटीन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो नाइट्रोजन की वजह से प्रोटीन तैयार होती है। फास्फोरस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सीड, सीड के बनने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी रेंजिंग, वो तो आपको पता है 6 ग्राम से 200 ग्राम, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक रिक्वायर्ड होते हैं, वो ये भी दे सकते हैं आपको। ड्यूरिंग द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट द टेम्परेचर ऑफ द डीकम्पोजिशन जोन वो 900 डिग्री या 800 डिग्री हो सकता है। अच्छा द वर्ड पेपर इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ विच रेडी प्लांट, पेपेरस, तो पेपेरस जो है वो पेपर वर्ड उससे निकला है। विच इज़ नॉट अ कल्केरियस मटीरियल, कले, कले जो है वो कल्केरियस मटीरियल नहीं है बल्कि वो अर्जिलिशियस मटीरियल है, और आपको पता है सीमेंट के 3 ही कंपोनेंट है, कल्केरियस मटीरियल, अर्जिलिशियस मटीरियल और जिप्सम, ये 3 रॉ मटीरियल हमें इसके लिए चाहिए। हाउ मैनी जोन डज अ चार्ज पास इन रोटेटिकल, तो वो 4 ही हैं, वो आपको अच्छे से पता है, ये 4 जोन यहाँ पर यूज़ होने हैं। एक प्री हीटिंग जोन है, एक आपका बर्निंग जोन है, एक आपका कूलिंग जोन है और एक आपका डीकम्पोजिशन जोन है, तो ये 4 जोन है और आपने इनके नाम भी याद रखने। फॉर विच क्रॉप अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, वो आपको पता है पैडी राइस में हम अमोनियम नाइट्रेट को नहीं यूज़ करते क्योंकि उसमें जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो इसको डीकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं जो कि हवा में चली जाती है। अब आ गया स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, तो वो एक शेर भी मुझे याद आ गया यहाँ पे कि बड़ी मुश्किल से ये जो है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, शेर तो मैं आपको यहाँ पे नहीं सुना रहा, वो वैसे मैंने आपको कह दिया। ये द pH रेंज ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5, मतलब pH इसकी 5 से कम होती है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। अब PAN इज एन इरिटेंट टू ह्यूमन बींग एज इट अफेक्ट्स आइज, क्योंकि आंखों पे असर डालता है। टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड विद क्लोरीन
विच सब्सटेंस इज यूज फॉर डिसइनफेक्टेंट वाटर, O3 को हम यूज़ करते हैं। अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल एक लाख ओजोन मालिकूल को तबाह कर सकता है, याद रखिएगा। फंगीसाइड आर द पेस्टिसाइड विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फंगस, क्योंकि वो फंगस को ही कंट्रोल करते हैं। और इकोसिस्टम इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का सबसे छोटा हिस्सा क्या है, इकोसिस्टम है। द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ लेदर टैनरीज वो क्रोमियम 6 होता है। इन प्योरीफिकेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर द कोएगुलेट यूज इज एलम, पानी की प्योरीफिकेशन के दौरान मतलब कोएगुलेशन के दौरान हम एलम को यूज़ करते हैं, फटकड़ी को, और जो उसमें जरासीम होते हैं वो इसकी सतह पे चिपक जाते हैं। द टेम्परेचर इन द नॉन रोटेटिंग चैम्बर इन द इंसिनरेशन वो 950 से 1300 डिग्री होता है। न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन बाय हाउ मेनी टाइम, 5 टाइम, 5 मरतबा ऐसा करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ मुकम्मल तौर पर जो है वो MCQs एक्सरसाइज के जो हैं वो डिस्कस कर दिए विद